बोलो सरी अंतरा देवी उसको नहीं बोल रहा है, ये बहुत दुखी है, नहीं बोल रहा है। बोलो माँ से, रो मत, बोलो रो मत, बोलो तुम बोलो जवाब दो, जो कार्रवाई हो पर भाई नितर नहीं भाई, बोलो रो मत, बहुत दुखी है मैं, ये उसका घर आप ये लाता। अरे माँ से बोला रो माशा, एक बार बता दो, बोलो समस्या कहीं है? बोलो बोलो एक बार, छोटा वाला बच्चा ने धमकी दे रहा है। कहीं कौन धमकी दे? बोलो कौन? अशोक बलिवाल। एक बात तो बताओ, कौन परेशान करे? अशोक पलिवाल करे, कदे हूँ करे, तीन चार हुआ कर रहा था, हमको घर को बताइए। ठीक है ठीक। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, और सभी ये जो लोग आए हुए जसोल से आए हैं, पुलिस थाना जसोल जो बालोतरा क्षेत्र से आए हैं। किशन कुमार पुत्र लादूराम जाति माली निवासी श्री यादे मंदिर के पोल के पास जसोल पुलिस थाना जसोल, ये आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इनकी क्या मांग है, क्या परेशानी है, कब से परेशानी है, इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। तो उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा लेता हूं, उससे बाद इनसे बात करेंगे, इन पूरे परिवार से बात करेंगे, कब से इनकी समस्या है। तो मैं डाल नहीं, नाम है आपका, कहां से आए हो, क्यों आए हो? सर मेरा नाम किशन कुमार है, मैं जसोल से आया हूं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ क्या समस्या है? सर मैंने काफ़ी टाइम से मेरे भाई को परेशानी में जूझ रहा था, उन्होंने घर पर किसी को बताया नहीं। हाँ। और कुछ टाइम पहले मेरे भाई की सुसाइड करने से मौत हो गई। हाँ। और उसका जिम्मेवार, उसने सुसाइड नोट लिख के जिम्मेवार अशोक पलिवार है। हाँ। आए दिन मेरे छोटे भाई जो प्रकाश है उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हाँ। और जान से मारने की धमकियां देता है। हाँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इससे। हाँ। और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी निकाल रहा हूँ। हाँ। और कहीं से मेरा कोई निवारण नहीं हो रहा है। आज आज मैं SP साहब के पास में आया हूँ, मेरा जो भी है कुछ इसका करवाया। सर वो पालीवाल परेशान किस लिए कर रहा था, क्यों कर रहा है? सर फोन थी साथ में है? मेरे बड़े भाई है। हाँ। उसके मिठाई की दुकान है महिषा मार्केट के अंदर। हाँ। तो उसकी दुकान भी पास में है। हाँ। तो धंधे के सिलसिले में वो आए दिन उससे झगड़ा करता रहता था। हाँ। और ये बात कहता रहता था, तू मेरे को पैसा दे नहीं तो मैं तेरे को जान से मारने के मार दूंगा तुझे। हाँ। और इसे दुखद होके मेरे भाई ने आज सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे आकर। कब की थी घटना, ये घटना कब की है? घटना 4 तारीख की है। हाँ। और 4 तारीख को सुसाइड नोट मिलने से पुलिस थाने ने वहाँ पे जाके उसको गिरफ्तार भी किया था। हाँ। इसलिए हमने वहाँ से बॉडी उठा के मेरे भाई का अंतिम संस्कार किया। ठीक है। तब वापस हम अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे थे। हाँ। और अशोक पलिवार धमकियां देकर हमारे सबके बीच से निकल कर, हाँ, गाड़ी बीच से निकाल कर वो इशारे करने लगा और धमकी देने की बात करने लगा। हाँ। तो परिवारजनों ने रोका भी और फिर वो निकल गया वहाँ से। हाँ। और 4 दिन के बाद उसको हमने मेला करके वहाँ पुलिस थाने मेला करके उसको वापस ले जाने के लिए भी बोला। हाँ। तो डिंपल कवर इन्होंने सबके मिल के उसको वापस थाने में भी बुलाया। हाँ। फिर 4 दिन के बाद भाई का उसकी राख भी अभी ठंडी नहीं हुई, उससे पहले उसको जेल से भी रिहा कर दिया, उसको बेल भी मिल गई। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। तो अभी, अभी 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 SP साहब से क्यों मिलने आए हो? अभी सर हमारी कार्रवाई अभी तक कोई कुछ हुई नहीं है। हाँ। और हम बहुत परेशान है, वो बंदा हम घर आके रात को घूमता है और हमें परेशान करता है, धमकियां देता है। ठीक है, धन्यवाद। बीच में आके मेरे छोटे भाई को भी परेशान किया, उसने बीच में रोक के उसे झगड़ा किया और हमारे गलियों के अंदर रोज गाड़ियां घुमाता और ये धमकी देता है कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, नहीं तो तुम चुप बैठ जाओ अभी। ठीक है, धन्यवाद। कोई नाम है आप? रो मेरा सगनी देवी नाम है। सगनी देवी जी, कटंग आया हो? जसवाल। की कराया? जटू तक डेथ हुई है, जनवाज से कोई कार्रवाई नहीं हुई जसवाल गांव में। हाँ। जनवाज से SDM साहब को ये यहाँ पर आया बाद में रिपोर्ट। SP साहब गने। हाँ। क्यों, की काम, कौन है परेशान, कौन करे? पल्ली वाले अशोक। हाँ। जसवाल का। हाँ।
दसौल का रहने वाला है, ये धमकी दे रहा है। छोटा वाला जितता है, बड़ा वाला तो और डेट हो गई है, तो ये उसको धमकी दे रहा है। तो ये घर का आकर रो रहा है कि मैं उनको धमकी दे रहा है, मैं रात को आता हूँ तो हमको डर लग रहा है मैं नहीं खत्म कर देगा, ये धमकी दे रहा है कि मेरे ये केस हटाओ मेरे साथ में, तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। तो मैं केस कैसे हटाऊंगी, मेरे बच्चा की उस चीज जान ले ली। वो धंधा के बारे में रोज वो बोलते हैं कि ग्राहक नहीं आते देते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे ग्राहक नहीं, धंधा नहीं करने दूँ, धंधा करने नहीं दूँ आपको, धंधा करने नहीं दूँ कि ये दुकान आपकी है जो मने दे दो, मने दे दो, आप दूसरी जगह जाओ। कौन के? अशोक परिवार। पुलिस की कार्रवाई करी? पुलिस कुछ भी नहीं की, जनो में हम भी बाढ़ में पहुँच हुआ। ठीक है, धन्यवाद। की नाम है थारो? मेरा नाम सगनी देवी। ठीक है, कोई नाम है आप रो? भुवन हंत्रा देवी। माँ बोलो सरी। हंत्रा देवी उसको नहीं बोल रहा है, ये बहुत दुखी है, नहीं बोल रहा है। एक बार बता दो, बोलो समस्या कहीं है? बोलो बोलो एक छोटा वाला बच्चा धमकी दे रहा है। कहीं कौन धमकी दे? बोलो अशोक पलिवाल। कौन? अशोक पलिवाल। अशोक पलिवाल एक बात तो बताओ। कौन परेशान करे? अशोक पलिवाल करे? कदे हूँ करे? तीन चार हुआ कर रहा था, हमको घर को बताइए। ठीक है ठीक है। कोई नाम है आप रो? बगरम जी कटा दिया आया। की को आया हो? एसपी साहब मलवान है। क्या कोई समस्या है? बोले जो हम बच्चा ने जो खत्म कर दिए एक ने, और दूसरा रही है जो परेशान। कौन करे परेशान? अशोक कुमार है। अशोक कुमार कदे हूँ परेशान करे? तीन चार हुआ। तो थे मुकदमा दर्ज नहीं कराये? कराये रिजॉल्व में। हाँ छोड़ दिए पास हमने। तो बच्चे देहत कदी हुई? 4 तारीख हुई। ये 4 तारीख रही? गई हमने छठा मीनारी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करियो? तो करियो तो पास छोड़ दियो। कितना दिनों में छोड़ियो? आधा छोड़ दियो। 7 दिन आधा छोड़ दियो। तो थे थाने मुकदमा उन्हें खिलाफ दर्ज कराये? तो कार्रवाई गाले कोई नहीं जाले। तो आज क्यों मुलवाया था? मुलवाया क्यों? आज भी धमकी दे अशोक? धमकी दे ही है, रोज दे है। बच्चा ने उसको दुकान खोलवा को दे है, तो परेशान करवा दे है कुनी। परेशानी हाल दे रही है। कहीं गए धंधो करवा दे है कुनी के मार दो अन्य है जो लाई रही मार दो ये की गियो गियो बना अन्य है जो कौन हम बाड़े। हाँ एस पी साहब मलवाया है। ठीक है, धन्यवाद।